हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस तरह से स्लीको डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से, और यहाँ पे हमारी थोड़ी सी फ्रिल आएगी। तो हम सबसे पहले ये जो हमने स्लीव को कट करके रखा है पहले से, तो ये स्लीव लेंगे, और आपको जितनी इसकी ऊपर की लेंथ चाहिए वो हिसाब से इसकी पट्टी निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले से पट्टी निकाल के रखी है, ये देखिए इस तरह से। तो 1.5 इंच चौड़ी ली मैंने पट्टी, और जितनी स्लीव की ये चौड़ी है, चौड़ाई है, तो हिसाब से मैंने इसकी चौड़ाई ली और लेंथ इसकी 1.5 इंच ली। और उसके ऊपर को ये हमने ये इस तरह का ये लिया है, ये देखिए इसकी लंबाई मैंने ली 3 इंच, और इसकी भी चौड़ाई ली 1.5 इंच। इस तरह से मैंने कैनवास पे इसे कट कर लिया पहले से, और ये इस तरह से हम इसे रखेंगे, ये डबल में रखेंगे, और इसे हम इस पे रखेंगे, ये देखिए, और इसे हम सिर्फ यहाँ नीचे नहीं, इसके ये तीनों साइड को हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करके इसे कट लगाएंगे, बाद में इसे हम सीधा कर लेंगे। और हमने ये देखिए, हमने भी ये 1.5 इंच पट्टी, ये कैनवास पट्टी निकाली 1.5 इंच की, और उससे थोड़ा सा ये ज़्यादा हमने ये निकाला ताकि ये फोल्ड करने में जाए। तो ये इस तरह से इसको फोल्ड करके एक साइड से हम इसे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने इसे एक साइड से सिलाई लगा दी। अब इसे भी हम इसके तीनों कोनों को सिलाई लगाएंगे। हम सीधा कर लेंगे। देखिए, इस तरह सीधा करने के बाद इसके हम ऊपर फिनिशिंग के लिए एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अब हम स्लीव को ज्वाइन करेंगे। अब हम स्लीव लेंगे, तो स्लीव का ये रॉन्ग साइड है, इसका हम सेंटर निकालेंगे। इसका सेंटर निकालने के बाद ये रॉन्ग साइड रखेंगे, और इसका भी हम सेंटर निकालेंगे। तो राउंड साइड पे ये पट्टी के हम राइट साइड रखेंगे इस तरह से, ये देखिए सेंटर पे हम रखेंगे इस तरह से बराबर, और जो इसका भी हम सेंटर निकालेंगे इस तरह से, इसको हम इसके नीचे रखेंगे। तो पहले इसको हम यहाँ पे रखेंगे सेंटर पे, तो थोड़ा बाहर की ओर लेंगे हम इस तरह से। इसे हम सेंटर पे रखने के बाद इसे भी हम इस तरह से सेंटर पर बराबर रखेंगे, और इसे यहाँ से सिलाई लगाएंगे सीधी।
इस तरह सिलाई लगाने के बाद अभी से हम ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे, तो ये राइट साइड रहेंगे हमारी स्लीव की इस तरह से, और यहाँ से एक सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए इस तरह से। सीधा करने के बाद फिनिशिंग के लिए एक सीधी सिलाई लगाएंगे, और यहाँ से भी ऊपर से दोनों साइड से हम सिलाई लगाएंगे, और बाद में हम इसे ऊपर की ओर इस तरह से मोड़ देंगे। अब हम ये जो हमने ये कप निकाला था इसे भी हम इस तरह से मोड़ देंगे, और इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड से भी हम सिलाई लगाएंगे। तीसरे हम साइड में लेंगे, ये देखिए इस तरह से हमने इसको सिलाई लगा दी। अब हम इसको यहाँ पे एक बटन लगाएंगे, इस तरह से हम कोई भी बटन लेके यहाँ पे इसे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे बटन टाइप से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारी ये स्लीव तैयार है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।